अमित शाह, जेपी नड्डा और साथ में बेवाई विजयेंद्र की एक तस्वीर साथ में क्या आई, कर्नाटक की सियासत में उबाल आ गया और ऐसे बहुत सारे सवाल उठने लगे जिससे बीजेपी को अब तक परहेज रहा है। बेवाई विजयेंद्र सीएम बीएस येदुरप्पा के छोटे बेटे हैं और 77 साल के येदुरप्पा अपनी सियासी विरासत उसे सौंपने को बेताब हैं। लेकिन बीच में पेच बीजेपी की परिवारवाद विरोध की नीति है। अब सवाल ये कि क्या बीएस येदुरप्पा की इच्छा पूरी होगी और बेवाई विजयेंद्र को बतौर उत्तराधिकारी कबूल किया जाएगा या फिर परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देने की अपनी नीति पर कायम रहेगी। लेकिन दिक्कत यह है कि बीएस येदुरप्पा के बाद बीजेपी के पास लिंगायतों का कोई बड़ा चेहरा नहीं है। मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह हो या फिर मंत्री पद की दौड़ में शामिल नेताओं की भाग दौड़, सबके केंद्र में बेवाई ही रहे हैं। हर कहीं उनकी प्रभावी भूमिका रही है और बेवाई पिछले कई महीनों से उस कमी को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। बेवाई विजयेंद्र की अगुवाई में ही बीजेपी ने पहली बार मांड्या जिले की केआर सीट पर जीत हासिल की। बीएस येदुरप्पा विजयेंद्र को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष नलिन कुमार और प्रभारी महासचिव मुरलीधर राव के अमित शाह और नड्डा वाली बैठक में नहीं होने को बेवाई के समर्थकों ने जमकर भुनाया और ये दावा किया कि केंद्रीय नेतृत्व बेवाई को येदुरप्पा के उत्तराधिकारी के रूप में देखना चाहता है। हालांकि नलिन कुमार ने इन बातों का खंडन कर दिया, लेकिन जब बात शुरू हुई है तो आगे भी ये सब जारी रहेगा।